Israelis and Palestinians, fueled by a new surge in violence. 2 years has broken out between Israelis and Palestinians. We have another session of violence here. Israeli settlers throwing rocks and setting houses in Palestinian neighborhoods. The UN is expressing alarm that's in occupied Palestinian territory. इसराइल पैलेस्टाइन की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें अरब स्टेट्स, अमेरिका और दुनिया के लगभग सभी देश उसमें इन्वॉल्व हैं किसी न किसी फॉर्म में, अगर उसको ट्रेस बैक करिए तो जो 20वीं और 21वीं शताब्दी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स जा करके एक ही जगह मिलती हैं, और वो है ब्रिटिश एम्पायर। तो चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का विवाद हो, इंडिया चाइना का विवाद हो, चाइना वियतनाम का विवाद हो, चाइना ताइवान का विवाद हो, या हांगकॉन्ग चाइना का विवाद हो, या इसराइल और पैलेस्टाइन का विवाद हो, इन सारी विवादों की जड़ जा करके इंग्लिश एम्पायर यानी ब्रिटिश एम्पायर में जाके जुड़ जाती हैं। अब कैसे होता है ऐसा? जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और एक तरफ रशिया, यूके यानी कि ब्रिटिश और फ्रेंच हैं, दूसरी तरफ जर्मनी, ओटोमन यानी टर्किश, जो टर्किश एम्पायर था उसको ओटोमन बोलते थे, और एक तरफ ऑस्ट्रियन हंगेरियन, तो ये सब तीन चार एक देश थे एक तरफ, और इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, और बाद में यूएस भी उसी में आ गया, वो एक तरफ। जब ये 1914 से 1918 तक का विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध, और इसमें जर्मनी ने रशिया को यानी सोवियत यूनियन को काफ़ी जल्दी हरा दिया था, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड के खिलाफ ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे। दोनों के बीच में जो कांटे का टक्कर चल रहा था, और उस बीच जो ब्रिटिश लोग थे, जो उनके जो एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था बाल्फोर, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम ज्यूज़ के लिए यानी यहूदियों के लिए एक अपना लैंड बनाना के लिए समर्थन में है, और वो लैंड हम बनाएंगे जेरूसलम के आसपास, यानी जहां इसराइल है आज का। अब ये जो इन्होंने डिक्लेरेशन करी, ये काफ़ी विवादास्पद भी थी, हालांकि इन्होंने इसलिए करी थी कि जो यहूदी थे पूरे यूरोप में वो ब्रिटिश के समर्थन में आ जाएं, लेकिन विवाद इस बात का था कि उस समय जो आज की इसराइल की लैंड है उसको पैलेस्टाइन बोलते थे, और पैलेस्टाइन की जो छोटी सी लैंड है वो ऑटोमन यानी कि टर्किश एम्पायर का पार्ट थी। ये जो पैलेस्टाइन का रीजन था, वो छोटा सा रीजन, ये ऑटोमन एम्पायर यानी कि टर्किश एम्पायर का पार्ट था। टर्किश एम्पायर की हार हुई प्रथम विश्व युद्ध में, और जो पैलेस्टाइन का रीजन था वो दे दिया गया ब्रिटिश को, ना कि उनकी टेरिटरी का, नहीं, उनको मैंडेट बनाया गया। मैंडेट का अर्थ होता है कि हालांकि वो ब्रिटेन की टेरिटरी नहीं है, लेकिन ब्रिटेन का आधिपत्य, उनका शासन वहां चलेगा, और एक समय जब आएगा, पता नहीं कब आएगा, तब पैलेस्टाइन को लिबरेट कर दिया जाता। समस्या ये थी कि पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी अरब रहते थे, ये मुस्लिम थे, और अरबिक जो अरब लोग थे यानी इजिप्ट, सीरिया, इन सब जगहों से ताल्लुक रखते थे। जब ये डिक्लेरेशन किया गया, उसके बाद से जो यहूदी समुदाय था यूरोप में वो धीरे धीरे करके यहाँ पे जाने लगा। अब यहूदी समुदाय के ऊपर भी अत्याचार चल रहा था, यहूदियों के ऊपर। जब हिटलर पावर में आए 1930s में, उन्होंने यहूदियों को समाप्त करना शुरू कर दिया, जान से मारना शुरू किया, और करीब 60 लाख यहूदियों को उन्होंने गैस चेंबर्स में डाल करके मारा भी था। और इसलिए जो यहूदी समुदाय था 1930s के दशक में अपनी जान बचाने के लिए, और कई बार अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ने के बाद, यूरोप से वो पलायन करने लगा इसराइल की तरफ। तो इसराइल का जो क्षेत्र था, अब वहां पर अरब जो लोग थे पुराने रहने वाले, और जो यहूदी लोग थे जो नए आ रहे थे, हालांकि उनके भी पुराने, अगर आप इतिहास में और भी पहले जाइए तो इसराइल में यहूदी भी रहा करते थे, वो वहां से चले गए थे और फिर अब वापस आने शुरू हो गए। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी की हार हुई दोबारा, तो उस समय जो यहूदी समुदाय था वो जो है इसराइल में और जेरूसलम के आसपास के एरिया में काफी हद तक स्थापित हो चुका था। वहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है 1948 में, जब यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने पारित किया कि इसराइल को एक राष्ट्र बनाया जाए, तो तुरंत ही अरब के आसपास के जितने भी राष्ट्र थे यानी सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन और इवन येमेन से फाइटर्स जा करके उन्होंने इसराइलियों के खिलाफ यानी यहूदियों के खिलाफ लड़ाई और जंग शुरू कर दी। डेविड बन गुरियन उनके पहले राष्ट्रपति थे, और उन्होंने जो है एक सक्सेसफुल कैंपेन किया, और इसराइल ने इन सारे देशों को हरा दिया एक साथ, तो काफ़ी, और इसमें अमेरिका की भी हाथ था, इस वजह से उनके पास हथियार अच्छे थे। लेकिन ये जब देशों को हरा दिया, सारे अरब देशों को, तो इसराइल पे यहूदी जो समुदाय है उसका एक तरह से वर्चस्व बन गया। लेकिन जो फिलिस्तीनी लोग थे वो अभी भी वहाँ रह रहे थे, और अगले कई साल तक वो एक तरह से एक डुअल मॉडल में चलते रहे, यानी कि वहाँ पे यहूदी भी रहते थे और पैलेस्टाइन भी रहते थे, शांति और युद्ध के साइकिल्स
आते जाते रहे और 1960s 70s में जा करके धीरे धीरे इसराइल ने हर एक बार जब भी इस पर हमला हुआ तो उन्होंने उस हमले में अपनी जीत उनकी विजय हुई और धीरे धीरे जो अरबी जो अरब समुदाय था फिलिस्तीनी जिनको आज हम पैलेस्टीनियंस बोलते हैं वो लोग दो जगह अटक गए यानी कि गाजा स्ट्रिप जो एक पतली सी स्ट्रिप है जिसका जो एरिया है वो लगभग 365 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि नई दिल्ली से लगभग एक चौथाई एरिया होगा और दूसरा एरिया है वेस्ट बैंक वहाँ पर ये दोनों एरिया सेपरेटेड है बीच में इसराइल है और इन दोनों एरिया में फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। गाजा स्ट्रिप में आपने देखा कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2005 के तक यानी कि 1960 से लेकर के 2005 तक इसराइल गाजा पर अपना शासन करता था यानी कि जो सिक्योरिटी सिस्टम थे वो इसराइल के थे और बहुत सारे इसराइली सेटलर्स हजारों की संख्या में वहाँ रहते थे यानी यहूदी लोग भी वहाँ रहते थे। 2005 में इसराइल ने अपने इंटरनेशनल इमेज को बेहतर करने के लिए गाजा स्ट्रिप से इवैक्यूएट कर दिया अपने आप को यानी कि सारे लोगों को लेकर के वो इसराइल चले गए, अपनी सेना भी वहां से हटा दी, अपनी पुलिस भी वहां से हटा दी। 2005 में ऐसा लगा कि शायद दुनिया में पीस आ सकती है क्योंकि इस एरिया में अगर पीस आ गई तो सारी दुनिया में पीस आ सकती है। सो 2006 में पहली बार बहुत सालों बाद गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक दोनों में इलेक्शन किया गया यानी फ्री इलेक्शन और ये आखिरी बार फ्री इलेक्शन हुआ है गाजा स्ट्रिप में 2006 में। इसमें दो पार्टियां थी, पहली पार्टी थी फतेह पार्टी, ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जिसमें यासिर अराफात और ऐसे सारे लोगों ने शुरू किया था, ये उन सब लोगों से ताल्लुक रखने वाली पार्टी थी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की फतेह पार्टी। फतेह पार्टी अभी भी वेस्ट बैंक यानी जो दूसरा वाला फिलिस्तीनी एरिया है वहां पर उनका शासन है। और दूसरी नई पार्टी आई थी जिसका नाम था हमास। हमास उस समय एक पॉलिटिकल पार्टी थी। फतेह और हमास में इलेक्शन हुआ, इसमें हमास की जीत हुई गाजा स्ट्रिप एरिया में, वेस्ट बैंक में फतेह जीता। तो उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गई और हमास ने ये कहा कि ये गाजा स्ट्रिप पे जो शासन है वो हमारा चलेगा। हमास और फतेह के बीच में एक वायलेंट युद्ध हुआ और उस युद्ध में हमास ने फतेह को हरा दिया। हराने के बाद हमास ने एक मिलिटेंट रूप लेना शुरू कर दिया, उनको ये लगा कि लड़ाई झगड़े से ही काम होगा और वो एक एक्सट्रीम पार्टी के रूप में बन गए जो ये कहती है कि इसराइल पे पूरा इसराइल समाप्त करके इसराइल पे पूरा कब्जा फिलिस्तीन का होना चाहिए और वहाँ से सभी यहूदियों को हटा देना चाहिए। काफ़ी बोल्ड और काफ़ी टेररिस्ट वाला स्टेटमेंट उनका रहता है कि वो किस तरीके से वायलेंट एक्ट करके इसराइल को मैप से हटा देना चाहते हैं। आपने स्लोगन सुना होगा फ्रॉम रिवर टू द सी पैलेस्टाइन मस्ट बी फ्री, तो इसका अर्थ यह है रिवर क्या है, रिवर जॉर्डन है और जो सी है वो जो दूसरी तरफ है मेडिटेरेनियन सी वो है, तो वो कह रहे हैं जो इसराइल का पूरा क्षेत्र है वो कब्जा करना चाहते हैं। 2006 से हमास धीरे धीरे एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हुआ, उसने रॉकेट्स दुनिया भर से प्रोक्योर किए, मोस्ट ऑफ द अरबिक कंट्री जिसमें ईरान का नाम लिया जाता है बट एग्जैक्टली हमें पता नहीं रॉकेट किधर से आते हैं, लेकिन उन्होंने हजारों और दसियों हजारों की संख्या में रॉकेट इसराइल पर दागने शुरू किए। इसराइल ने कई बार मिलिट्री ऑपरेशन किया और अल्टीमेटली उन्होंने 2010-12 के आसपास आयरन डोम की स्थापना करनी शुरू कर दी जिससे वो उस जो रॉकेट्स आते थे उनको वो अपनी टेक्नोलॉजी मिसाइल टेक्नोलॉजी से बीच में हवा में ही उड़ा देते थे। आपने आयरन डोम की तस्वीरें देखी होंगी। इसके बाद हमास और इसराइल के बीच का जो संघर्ष है वो हमेशा बढ़ता ही गया। हमास के साथ साथ आपने हिजबुल्ला का नाम सुना होगा, हिजबुल्ला लेबनान यानी नॉर्थ में इसराइल के नॉर्थ में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान सपोर्टेड है, वो भी इसराइल के अगेंस्ट है और हमास तो बहुत ज़्यादा इसराइल के अगेंस्ट है। तो 7 अक्टूबर 2023 को जो घटना हुई वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, काफ़ी शॉकिंग घटना थी और एक साथ इतिहास के कई पन्ने पलट गए क्योंकि जो घटना हमास ने करी उसने ये दिखाया कि एक मिलिट्रीली एडवांस कंट्री के ऊपर भी एक टेररिस्ट अटैक फिर से हो सकता है। ये बार बार हम दिखाते हैं लेकिन राष्ट्र ये बात मानते नहीं है जनरली, तो ये बात क्लियर हो गई कि चाहे आप जितने भी मिलिट्री एडवांस्ड हों आप टेररिज्म से सेफ नहीं है। पैराग्लाइडर्स, पुरानी असॉल्ट राइफल्स, छोटे छोटे ड्रोन और बुलडोजर और मोटरसाइकिल पे आकर के हजारों लगभग 1400 इसराइली लोगों को उन्होंने मौत की घाट उतारा और कई सैकड़ों लोगों को एज ए किडनैप बंधक बना के ले गए। उसके बाद से इसराइल का जो रिस्पॉन्स रहा है वो काफ़ी स्टर्न रहा है, उसका भी कई कारण है। बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक बेहद वीक कोएलिशन के लीडर हैं और उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो लगभग 10-12% है। साथ ही साथ वो इसराइल की सुप्रीम कोर्ट के साथ एक विवाद में भी घिरे हुए हैं और सारा टेंशन उनका उस विवाद पे था। तो इस सिचुएशन में एक इंटेलिजेंस फेलियर होना एक ऑलरेडी गिरती हुई पॉपुलैरिटी में एक और हथौड़ा पड़ गया
और उसी चीज़ को रिकवर करने के लिए और अपने गवर्नमेंट को बरकरार रखने के लिए आवश्यक था कि वो एक बहुत ही स्विफ्ट और सिवियर रिएक्शन दें, और उन्होंने वो किया। इनफैक्ट उनके कुछ मिनिस्टर्स ने यह भी बोल दिया कि हम गाजा को न्यूक कर देते हैं, और ऐसी बातें करी गई जिनको बाद में काफ़ी इंटरनेशनल जो फोरम था उस पर उसको क्रिटिसिज्म भी हुआ। जो इसराइल का रिएक्शन रहा है वो काफ़ी सिवियर है, उन्होंने आधे पैलेस्टाइन को खाली करने को बोल दिया। वो ऑलरेडी एक बहुत छोटा सा एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा आबादी है, आप सोचिए दिल्ली से एक चौथाई एरिया में 40-50 लाख लोग रहते हैं, और उसमें भी उन्होंने कहा कि आप आधे एरिया को खाली कर दीजिए, और जो बचे हुए आधे एरिया है अब उन्होंने उस पर ग्राउंड असॉल्ट भी करना शुरू कर दिया है। लगातार एरियल बॉम्बिंग जारी है, करीब 10,000 से 11,000 लोगों की मौत हुई है पैलेस्टाइन में, और उसमें से आधे या आधे से थोड़े से कम बच्चे हैं। कई बार हॉस्पिटल्स पर अटैक हुआ है, किसने किया इसका तो लोग एक दूसरे पर ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन इसराइल ने भी माना है कि उन्होंने कुछ एम्बुलेंसेस पर अटैक किया है। कुछ जगह कॉन्ट्रोवर्सी है कि वो हमास का रॉकेट था या इसराइल की मिसाइल थी, लेकिन सैकड़ों लोगों की मौत हॉस्पिटल और एम्बुलेंसेस के अटैक में हुई है। साथ ही साथ स्कूल कॉम्पाउंड्स पे अटैक हुआ है, यूएन के शेल्टर जो रिलीफ सेंटर्स हैं उन पर भी अटैक हुआ है। इसराइल का कहना है कि करीब 60-70-80 टेररिस्ट उन्होंने मारे हैं, लेकिन उस प्रोसेस में 11,000 लोगों की जान जाना क्या ये एक जस्टिफाइड रिस्पॉन्स है या नहीं है, ये बात अभी भी श्योर नहीं है। जर्नलिस्टों की अगर हम बात करें तो इवन जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इस पूरी लड़ाई में सिक्योर नहीं है। हेल्थ केयर के ऊपर अटैक तो हुए ही हैं, लेकिन साथ साथ जर्नलिस्ट के ऊपर भी काफ़ी अटैक हुए हैं और कई जर्नलिस्ट की जान भी गई है। ये सारी चीज़ें जिनेवा कन्वेंशन जो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1949 में जिनेवा कन्वेंशन बनाई गई, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। और जिनेवा कन्वेंशन ये कहती है कि नॉन कॉम्बैटेंट्स यानी कि बच्चे और ऐसे लोग जो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वृद्ध लोग, महिलाएं, इनके ऊपर अटैक नहीं किया जाता है। हॉस्पिटल्स, जर्नलिस्ट पे भी अटैक नहीं किया जाता है। हमास तो एक आतंकवादी संस्था है, उससे आप अपेक्षा ना ही रखिए ऐसी चीज़ों की, बट इसराइल जो कि एक वेल रिस्पेक्टेड कंट्री है, ऐसा दिख रहा है कि कई इंस्टेंसेस में ये जो जिनेवा कन्वेंशन है उसका वायलेशन हो रहा है, ऐसा यूएन भी कह रहे हैं। यूएन में इसराइल का साथ देने वाले देशों की संख्या घटती जा रही है, जो शुरू में बहुत ज़्यादा थी। 7 अक्टूबर के बाद पूरा विश्व इसराइल की तरफ था कि इतनी कठोर घटना हुई है उनके साथ, तो सब हम उनके साथ थे। भारत ने भी खुल करके इसराइल का समर्थन किया था, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से जो पूरे एक महीने एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो पिक्चर्स आ रही हैं, वो पिक्चर्स देख के धीरे धीरे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या इन दोनों पार्टीज़ में से यानी कि हमास और इसराइल के बीच में संघर्ष में पैलेस्टीनियंस की जो मौत हो रही है, आम सिविलियंस की जो मौत हो रही है, कितने लोग मरेंगे, क्योंकि ऐसा करना कितना जस्टिफाइड है कि उनका खाना, दवा, पानी, बिजली, मोबाइल सब कुछ काट दिया जाए, और ये कहा जाए कि युद्ध में कोलैटरल डैमेज होती ही है, लेकिन कितनी होती है और कब हम कहेंगे कि अब बस बहुत हो गया। और सारी दुनिया में बहुत सारे देश अब बस बहुत हो गया कहना शुरू कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अब युद्ध विराम या किसी प्रकार का सीज फायर किया जाए, क्योंकि ये तरीका शायद सही नहीं है। यहाँ पर इसराइल हमारा एक मित्र देश है, इसराइल और भारत की घनिष्ठ संबंध है, पिछले 20 साल से तो काफ़ी घनिष्ठ रहे हैं। भारत ने इसराइल को 1950 में ही रिकग्नाइज किया था, और भारत से सीखने को बहुत कुछ है। भारत के ऊपर भी आतंकवादी संगठनों के निशाने पर हम रहते हैं, जैश ए मोहम्मद और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने हमारी संसद से लेकर के हमारे मंदिरों तक, हमारे पब्लिक प्लेसेस से लेकर के हमारे होटलों तक और हमारी सरकारी संस्थाओं से, हमारी आर्मी पे, इन सब पे अटैक किए हैं। अगर आप निकट जो इतिहास है उसमें ध्यान दीजिए तो 2016 में उरी में अटैक हुआ था, 2019 में पुलवामा में अटैक हुआ था, पूरे राष्ट्र गुस्से में था, पूरे राष्ट्र में कष्ट था, पीड़ा थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में एक ऐसा अग्रेसिव कदम उठाया जिससे पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहाँ पे सारे टेररिस्ट ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे हमने नागरिकों को नुकसान पहुँचाना शुरू किया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हमारे पास क्षमता थी, हमारे पास युद्ध विमान थे, हमारे पास मिसाइल्स थी, और भारत की मिसाइल्स तो दुनिया में सबसे अच्छी मिसाइलों में गिनी जाती हैं, और हमारे पास कारण भी था ये करने का, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से अटैक हो रहा था, सबको पता था। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया कि गिलगित बाल्टिस्तान के सारे शहरों को या मुर्शिदाबाद जो वहाँ उनकी कैपिटल है या और भी पाकिस्तानी शहरों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। हमने रिटेलिएशन में ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब हमारे सिविलियंस की जान जाती है या हमारे आर्मी के लोगों की भी जान जाती है तो हम टेररिस्ट को ढूंढ करके मारते हैं, और सिर्फ टेररिस्ट को ही मारते हैं। इसको हम सर्जिकल स्ट्राइक का नाम देते हैं। आपको याद होगा उरी के बाद भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, और पुलवामा के बाद भी हमने बालाकोट में एक सर्जिकल स्ट्राइक करी थी जिसमें सिर्फ आतंकवादी मरे,
लेकिन कोई सिविलियन नहीं मरा। इससे क्या होता है कि जो मॉरल हाई ग्राउंड थी भारत की कि हमने एक आतंकवाद का हमला झेला, हमें चोट पहुंची, इससे एक मॉरल हाई ग्राउंड है क्योंकि दुनिया की सिंपथी आपके साथ है, लेकिन दुनिया कुछ करने नहीं वाली, करना आप ही को है। लेकिन जब आप एक राष्ट्र होते हैं तो राष्ट्र और आतंकवाद संगठन के बीच में अंतर होता है। आतंकवाद संगठन के जो नियम होते हैं वो होते ही नहीं है क्योंकि वो तो आतंकवादी हैं, लेकिन राष्ट्र का संविधान होता है, राष्ट्र का एक चरित्र होता है, राष्ट्र की एक साख होती है और उसको भी बचाना होता है अपने नागरिकों को बचाने के साथ साथ और रिएक्शन देने के साथ साथ। इसराइल ने कहीं ना कहीं वो जो राष्ट्र की साख होती है, जो मॉरल हाई ग्राउंड था, वो ये जो कंटिन्यूस बॉम्बिंग हो रही है, जो उसकी फोटोज आ रही हैं, उससे उसकी साख को नुकसान पहुंच रहा है, पहुंच चुका है। भारत से ये लेसन लेना चाहिए कि शायद थोड़ा संयम से रहना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, इंटेलिजेंस यानी कि अपनी जो खुफिया तंत्र है उसको इस्तेमाल करना चाहिए और सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए ताकि उन लोगों को ही मारा जाए जो इस पूरी घटना के पीछे जिम्मेदार थे। क्योंकि अगर इस मॉडल से इसराइल आगे जाता गया तो आगे चल के और आतंकवादी ही बनेंगे और साथ ही साथ उनको पूरी दुनिया की सिंपथी भी मिलनी शुरू हो जाएगी और जो पैलेस्टीनियन पीपल हैं, जिनका शायद उन्होंने तो नहीं अटैक किया, आप इसराइल को पसंद करें या ना करें वो उनकी मर्जी है, लेकिन आतंकवादी तो नहीं है, हर पैलेस्टीनियन बच्चा आतंकवादी नहीं होता और बच्चे तो आतंकवादी बिल्कुल भी नहीं होते। तो बच्चों की जान जाना समथिंग इज समथिंग विच हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आगे चल के शायद यही भारत से सीखने की आवश्यकता है इसराइल को। आने वाले समय में इसराइल एक सेंसिटिव क्षेत्र रहेगा। अब्राहमिक अकॉर्ड्स अगर आपने सुने होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था और इसराइल की जो अरब कंट्री से रिलेशंस हैं, विशेषकर बहरीन और यूएई से, वो काफ़ी हद तक हील हो गई थी। पहली बार यूएई और बहरीन ने इसराइल को एज अ राष्ट्र रिकग्नाइज किया था डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में। और अभी हम बात कर रहे थे कि ओमान, इस साल ओमान और सऊदी अरब भी ऐसा कर सकते थे और अगर ऐसा हो जाता तो इसराइल की अरब जो कंट्रीज हैं उन सब से पीस इस्टेब्लिश हो जाता। लेकिन इस युद्ध को इतना तेज़ी से आगे ले जा करके और 10-11 हज़ार फिलिस्तीनियों को मृत्यु दे करके इसराइल ने अब्राहमिक अकॉर्ड के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है, जो शायद उस पूरी क्षेत्र में पीस ला सकता था। और अब बहरीन भी कह रहा है कि हमें तो अपने जो अकॉर्ड है उससे हमें बाहर निकलना है और सऊदी अरब ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि हम इसको पॉज कर रहे हैं। तो इससे इसराइल को नुकसान पहुंच रहा है लॉन्ग टर्म और दुनिया की पीस को भी नुकसान पहुंच रहा है। जब आप शक्तिशाली होते हैं तो आपके अंदर संयम ज़्यादा चाहिए होता है। जब आपकी आर्मी इतनी शक्तिशाली होती है, जब आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी होती हैं युद्ध लड़ने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप उन टेक्नोलॉजी को किसी के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि दुश्मन को बराबर बराबर की दुश्मनी से लड़ाई लड़नी चाहिए और अगर आपका दुश्मन बराबर नहीं है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि जब आप उसको मारें तो उसके आसपास के लोगों को भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ये लेसन शायद इसराइल इस जो तेज़ रिएक्शन की जो मजबूरी भी कह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक जिम्मेदार सरकार उसके ऊपर अपने ऊपर संयम रखना आवश्यक था, लेकिन शायद नेतन्याहू के पास उतना पॉपुलर सपोर्ट बचा नहीं था कि वो अपने लोगों को बोल पाए कि थोड़ा रुक करके हम रिएक्शन देते हैं। और ये जल्दबाजी में रिएक्शन बहुत तेज़ी से चातुरा है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद है, इसके ऊपर बहुत गहरा सवालिया निशान है।